दोस्तों 50,000 साल पहले कई लोग ऐसे थे जो लुटेरों से बचने के लिए अपना धन जमीन के नीचे दबा कर रखते थे, जिनके मौत के साथ साथ इस धन के रखे जाने की जानकारी भी चली जाती थी। कई ऐसे राज्य भी थे जो शत्रु राज्य से बचने के लिए ऐसे ही धन छिपाया करते थे, पर कुछ कारणवश वो धन, वो खजाना वहीं दफन हो जाता जहां उसे छिपाया गया था। इसी तरह सालों पहले हीरे जवाहरात और सोने से भरे कई जहाज पानी में डूब गए, जिनका कभी भी पता नहीं लगाया जा सका। आज ऐसे ही अरबों खरबों का खजाना जमीन और पानी के नीचे दफन है, जिन्हें निकाला जाना अभी बाकी है। पर पिछले कुछ दशकों में लोगों ने अनजाने में ही कई ऐसे खजाने खोज निकाले जो शतकों से जमीन में दबे थे। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे ही 5 खजानों के बारे में बताऊंगा जिसको लोगों ने अनजाने में ही ढूंढ निकाला। लेट्स बिगिन। 1992 में इंग्लैंड के होक्सेन इस छोटे से गांव में रहने वाले पीटर वाटलिंग नामक किसान का हथौड़ा उनकी ही खेत में कहीं गुम हो गया जो नहीं मिल रहा था। इसीलिए पीटर उसे खोजने के लिए अपने एक दोस्त को मेटल डिटेक्टर लेके अपने खेत में बुलाया, पर मेटल डिटेक्टर से खोजबीन करने के बाद उन्हें वो मिला जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। उन्हें जमीन के नीचे कई सालों से दफन एक खजाना मिल गया था जिसमें चांदी के चम्मच, सोने के गहने और सोने के सिक्के भी शामिल थे। वाटलिंग ने आर्कियोलॉजिस्ट को मदद के लिए बुलाया और उन्होंने जमीन में दफन बाकी के खजानों को भी बाहर निकाल लिया, जो रोमन साम्राज्य यानी कि 4वीं या 5वीं शताब्दी का हुआ करता था, जिसकी कीमत 25 करोड़ तक आकी गई। बाद में ये खजाना ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है जिसमें उस किसान का हथौड़ा भी शामिल है। अगला जो खजाना है वह 1985 में पोलैंड का एक गांव जिसका नाम स्रोदा स्लास्का था वहां मिला। यहां एक बिल्डिंग को तोड़कर उसे फिर से खड़ा किया जाना था, इसीलिए जब जमीन को और गहराई तक खोदा जा रहा था तो मजदूरों को इसके नीचे 3000 चांदी के सिक्कों से भरा गुलदान मिला जो 14वीं शताब्दी का हो सकता है। अगले कुछ सालों के बाद जब ऐसा ही एक और काम यहां हो रहा था तो उस जगह और भी ज्यादा मात्रा में सोने और चांदी के सिक्के और बाकी खजाना भी मिला, जिसमें हीरे जवाहरात और सोने का एक क्राउन तक शामिल था। इस खजाने का सही सही कीमत किसी को भी नहीं पता, पर कहा जाता है कि ये खजाना कम से कम 1400 करोड़ भारतीय रुपयों का हो सकता है। 2015 में इजराइल के बंदरगाह के समुद्री तल पर कुछ गोताखोर जानकारी पाने के इरादे से गोता लगा रहे थे। उन्हें पानी के अंदर एक सोने का सिक्का मिला, इसीलिए उन्होंने वहां कुछ और जगहों की भी खोजबीन की तो उन्हें वहां और भी सिक्के मिले। तब उन्हें लगने लगा कि यहाँ कोई खजाना डूबा हुआ है, इसीलिए इन गोताखोरों ने इजरायली पुरातत्व विभाग को इसके बारे में जानकारी दे दी। पुरातत्व विभाग ने मेटल डिटेक्टर से यहाँ खोजबीन की तो उन्हें यहाँ 2000 से भी ज्यादा सोने के सिक्के मिले जो अलग अलग मजहब से और अलग अलग समय से ताल्लुक रखते थे, जो कि 10वीं और 12वीं शताब्दी के हो सकते हैं। अगला जो खजाना है उसे 1840 में खोजा गया था। जब इंग्लैंड में रिबल नदी के ऊपर बनाए गए बांध को रिपेयर किया जा रहा था तभी कारीगरों के एक दल को एक बक्सा मिला जिसमें चांदी के सिक्के, अलग अलग तरह के सोने और चांदी के गहने थे। ऐसे 8600 कीमती चीजें उस बक्से में पाई गई। इस खजाने की कीमत आज के हिसाब से 20 से 25 करोड़ रुपए आकी गई है। स्टडी करने के बाद पता चला कि ये खजाना अंग्रेजी हुकूमत का हो सकता है। ये खजाना खोजे जाने के बाद ब्रिटेन की रानी को भेंट दे दिया गया जो अब ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। अगला जो खजाना है वो फरवरी 2013 का है। जब उत्तरी कैलिफोर्निया में रहने वाले एक कपल अपने कुत्ते को लेके बैकयार्ड में टहल रहे थे तभी एक पेड़ की छांव में उन्हें कुछ नजर आया। उन्होंने करीब जाके देखा तो एक डिब्बा उन्हें कीचड़ में धंसा हुआ मिला। उन्होंने उसे बाहर निकाला और खोल के देखा तो उसमें से उन्हें सोने के कई सिक्के मिले और खोजबीन करने के बाद उन्हें वहां ऐसे 5 डिब्बे और मिले जिनमें से उन्हें सब मिलाकर 1427 सोने के सिक्के मिले जो 1847 से 1894 के बीच के थे। उनकी आज के जमाने में कुल कीमत 70 करोड़ भारतीय रुपयों के बराबर होगी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना न भूलें, और अगर आपको भी कहीं ऐसे छोटे मोटे खजाने मिले हो तो वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे यूनिवर्स एडवेंचर इस चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को बिना रुके देख सकें। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।